अरे पापा कहाँ चले गए? अभी तो यही थे। नाक्ष, इतनी जल्दी सुपर हीरो भी बन गए? Yes, यही तो मेरा बेटा चाह रहा था। अब बोलो, ये सुपर हीरो अपने सुपर बॉय के लिए क्या कर सकता है? अभी तो कुछ नहीं। अभी मैं अनन्या दीदी और यश को बुलाता हूँ, वो आएंगे और आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे, ओके? ठीक है, तब तक मैं अपनी सुपर पावर्स रिचार्ज कर लेता हूँ, ओके? प्रिंस, आपको दूध पसंद नहीं है ना? आपके लिए जूस। अब बाहर का एक्सरसाइज और जॉगिंग हो गया है, अब हम एरोबिक्स करेंगे और कोई फैटी फूड नहीं खाएगा। डू यू अंडरस्टैंड महाराज जी? आपको समझ में आया है? दीजिए दीजिए मुझे रिंग्स दीजिए। स्टैंड देयर स्टैंड देयर। परफेक्ट, लेट्स डू सम एक्सरसाइज। चलो स्टार्ट कीजिए। 1 2 1 2 1 2 1। बारा जी फास्ट। सुधा परफेक्ट। वाओ बड़ी दादी, आप तो ड्रेस में कितनी अच्छी लग रही हो। थैंक्स स्वीटी, ये सब तुम्हारी वजह से। तुम्हें वो अंग्रेजी फिल्मों वाली दादी चाहिए थी ना, ऐसी बनी थनी। बस आगे से मैं ऐसी ही रहूंगी। वेरी गुड बड़ी दादी। अच्छा अच्छा, यू ऑल्सो जॉइन अस। कम सुदेख, यहाँ देख। 1 2 3 4 Yes, Pam, that's what I meant. I want all fluorescent colors, neon shades. Yes, we can't be wearing last year's colors, can we? You're so right. BM, आप आ गए? हाँ जी। वाह, BM मतलब भाभी माँ। दादी, आप कहाँ गई थी? नक्श, why are you talking in Hindi? You don't know English? Oh, sorry. That is very uncool. Yeah, yeah, okay. We will speak in English. Dadi, you rock. Oh, so sweet. My chocopie. My honey bun. No. I'm not talking to you, Pam. Hollywood film? Tonight? Of course. Wow. Dadi, kitni cool ban gayi hai. इंग्लिश पिक्चर देखने जा रही है। थैंक यू गॉड, आई लव यू। कम ऑन राज, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। वाह, दादाजी और दादाजी ड्रेस पे कितने कूल लग रहे हैं। हाय दादाजी, हाय दादाजी। हाय लल्ला, हाय लल्ला। देखो हम फुटबॉल खेल रहे हैं, जॉइन अस। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है लला, तू भी आ जा। ये ले। तेरा फेवरेट है ना? हाँ दादाजी, मेरा फेवरेट गेम। ये देखो। सॉरी मम्मा। इट्स ओके बेबी, कोई बात नहीं है। वी विल गेट यू मोर टॉयज। हाँ बहुत सारे नए नए, यू एंजॉय, ओके? अरे वाह, मैंने डाटा नहीं, कुछ मजा नहीं आया।
क्या कर सकती हूँ आपके लिए? अभी अभी तो कुछ काम नहीं, आप एक काम करो, थोड़ी देर का ब्रेक ले लो। नहीं नहीं, मैं ब्रेक नहीं ले सकती प्रिंस, मुझे पूरा टाइम आपके साथ रहना है, आपका ख्याल रखना है, आपको ऐसी पसंद है ना? महाराज जी, मुझे बहुत भूख लगी है। सलाम तुझे कर रहे हैं ना, खाने ही चले एप्पल। यक, मुझे एप्पल नहीं खाना, मुझे हलवा खाना है। नो बेटा, हलवा नो गुड फॉर हेल्थ, ईट एन एप्पल। Actually, it's the latest design and I got it from Paris. It's really awesome. Next time मैं भी जाऊंगी ना तो ले आऊंगी। हाँ। Hey, see my new nail paint. How's this? Oh, दादी, मेरे लिए हलवा बना दो ना। हलवा? Naksh, go have a burger and don't bother us. पहले मेरी बात सुनो, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, कोई मेरे साथ खेल भी नहीं रहा और कोई मेरे लिए हलवा भी नहीं बना रहा है। Naksh, you can see, can't you? That we are very busy right now. Please go and play. Dadi, आप मुझे नक्श बोल रही है, लल्ला बोलिए ना। नक्श? लल्ला is so old fashioned. नहीं, पर मुझे लल्ला ही अच्छा लगता है। Whatever. Show me your nails. Dadi, सुनो तो। How pretty. This look very good on me. Prince, chocolate? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मैंने बोला ना। दादाजी, चेस खेलो ना। Come on लल्ला, चेस is a boring game. हाँ लल्ला, चेस बहुत बोर गेम है। आना, फुटबॉल खेलते हैं। हाँ। ये भी तो तेरा फेवरेट गेम है ना? अभी तो खेला था दादाजी, कितना और खेलूंगा? अभी मैं बोर हो गया हूँ। चल राजबन, चल आ जाओ। मम्मा मम्मा, मुझे पढ़ाओ ना, एग्जाम्स पास में आ रहे हैं। So what baby, एग्जाम्स ही तो है। Don't take tension. अच्छे मार्क्स नहीं भी आए ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना फैमिली बिजनेस है वो ज्वाइन कर लेना, पढ़ाई लिखाई में क्यों टाइम वेस्ट करना है? पर मम्मा, आप ही तो कहती थी ना कि तो... कहती थी बेटा, बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे वही करना चाहिए जिसमें मेरे बेबी की खुशी है। ओके, यू डोंट लाइक टू स्टडी ना, बिल्कुल पढ़ाई लिखाई मत करो, जस्ट एंजॉय। ओके, नक्श मेरी तरह उड़ोगे? चलो मैं आपको सैर करा कर लाता हूँ। नहीं पापा, मुझे नहीं उड़ना, मुझे डर लगता है। डर किस बात का, मैं हूँ ना आपके साथ, हुँ? आपका सुपर हीरो। नहीं पापा, मैं गिर जाऊंगा। नहीं पापा, मैं गिर जाऊंगा। बेटा उठो उठो उठो। अरे मम्मा, क्या हुआ डुकू, आप चिल्ला क्यों रहे हो? मम्मा प्लीज, पहले जैसी बन जाओ ना, थोड़ी सी नाइस, इतनी भी प्यार से बातें मत करो, मुझे पढ़ाने के लिए भी बोलो ना। लल्ला, नक्श यार क्या बोल रहे हो? मुझे सुपर हीरो पापा नहीं चाहिए, पापा पहले जैसे बन जाओ ना। हे भगवान, ये तू क्या बोल रहा है बेटा? दादी प्लीज, अब मुझे लल्ला बोलो ना, और बड़ी दादी को बोलो कि एक्सरसाइज नहीं करे। आंखें खोलो सबसे पहले। मेरी आंखों में दर्द है ना, इसलिए मैं थोड़े दिन के लिए चश्मा पहनूंगी। पर लल्ला, ये तू एरो एरो क्या क्या कह रहा है? कुछ नहीं। आप हम सबको ऐसे क्यों देख रहे थे? आप सब लोग चेंज हो गए थे ना, लगता है इसने कोई सपना देखा है। आपने कोई ड्रीम देखा क्या डुगू? ये ड्रीम था।
ड्रीम ही होगा। लक्ष्य आपने अपने ड्रीम में क्या देखा? मैंने देखा था कि सब लोग चेंज हो गए थे, आप सुपर हीरो बन गए थे और मुझे उड़ाने लेके गए थे। सुपर हीरो? मम्मा मुझे नहीं पढ़ने के लिए बोल रही है, ना स्कूल भेज रही है और न्यू फोन और लैपटॉप दिला रही है और दादी किटी पार्टी में जा रही है और बड़ी दादी सबको एक्सरसाइज करा रही है। और लल्ला मैं और दादाजी क्या कर रहे थे? आप दोनों ने फुटबॉल टीम की जर्सी पहनी है और गिरजा दीदी मेरे सारे काम कर रही थी। क्या कमाल का ड्रीम था आपका लग, जो सारी चीजें आपको चाहिए वो सब आपको मिल गई, भले ही सपने में ही सही। बाकी सबका तो समझ में आता है, बहू पढ़ने को नहीं कहेगी, गिरजा सारे काम करेगी, लेकिन मैं किट्टी, बोला ना ड्रीम था। अच्छा तो लल्ला क्या हम सब असलियत में भी वैसे ही बन जाए क्या जैसे तुम्हारे ड्रीम में थे? नहीं नहीं दादाजी प्लीज, वैसे कभी मत बनना, मैंने वो इंग्लिश मूवी देखी थी इसलिए मुझे सपना आया था। चल बेटा उठ, तैयार हो जा और जल्दी से नीचे आ जा, हम सब साथ पूजा करेंगे। और लल्ला ये तो बताओ तुम्हारे ड्रीम में परिवार वाले पूजा करते भी है या नहीं? दादाजी जी आप क्यों चिढ़ा रहे हैं मेरे लल्ला को, आइए नीचे आइए। टुकु बेटा आप उठो, मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। अच्छा ना अभिषेक बात बताओ, आपके ड्रीम में सच में मैं सुपर हीरो था? तो मैंने उसमें क्या पहन रखा था याद है आपको? आपने सुपर हीरो वाली ड्रेस पहनी थी। हाँ हाँ सुपर हीरो वाली, लेकिन कौन से सुपर हीरो? जैसी शाहरुख खान जैसी। शुक्र है, जाओ जाओ जल्दी से वॉशरूम हो गया। हाँ जाओ जाओ। क्या हुआ आप हंस क्यों रही हैं? देख आप भी ना कमाल हैं, आपको ड्रीम में भी जानना है कि आपने क्या पहना था। क्या कमाल, आप अपने बेटे को नहीं जानती हैं? उसने सपना देखा है, पूरी दुनिया को वो अपना सपना बताएगी और फिर उसके बाद आप सो सकती हैं। आपका बेटा सच में कमाल है, देखिए ना अपने सपने में उसने हम सब की काया ही पलट दी और जो जो वो चाहता था वो सब उसे मिल गया। काश असल जिंदगी में भी सब कुछ इतना आसान होता नैतिक, जब भी कोई मुश्किल आती हम स्थितियों को अपने हिसाब से बदल देते। दादू वो नए शेफ ने ज्वाइन कर लिया तो आप एक बार उनसे मिल लीजिए। और ताऊजी जो दुबई वाली पार्टी के लिए आपने रूम्स रेडी करने के लिए कहे थे ना वो मैं खुद करवा रहा हूँ, आप बस परसों आके देख सकते हैं। ठीक है। ये उसी डिजाइनर का फोन है। हेलो जी। एक बात तो सिद्ध हो गई आज, हमारी दी गई सीख हमारी दी गई समझ कभी व्यर्थ नहीं जाती, हमारे बच्चों के साथ बढ़ती रहती है और एक दिन हमारे ही काम आते। जाने अनजाने में हमने ही कभी अंशु को सिखाया होगा कि दुख को कभी भी जीवन में हावी मत होने देना, कि वो बोझ लगने लगे। और आज देखो परेशानी में होने के बावजूद भी कितने स्वाभाविक व्यवहार कर रहा है, उससे तो हमें सीख लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा माँ, अंशु ने हमारी परवरिश का मान रखा है और हमें भी उसका मान रखना चाहिए, इस बात को बार बार छेड़कर उसका दिल नहीं दुखाना चाहिए। गिरिजा ये क्या और मेवे डालना इतनी कंजूसी क्यों कर रही है? कंजूसी नहीं छोटी माँ, रश्मि दीदी को पसंद नहीं है ना इसलिए कम डाल रही थी। तो उसकी चिंता मत कर, देखना रश्मि खुशी खुशी खाएगी, उसके लिए थोड़ा ना बन रहे हैं लड्डू, आने वाले बच्चे के लिए हैं। माँ ये आपका ब्लाउज, वो करवा चौथ के दिन यहाँ स्लीव्स पे थोड़ा सा चिर गया था ना, मैं भूल ही गई थी रफू करना, आज कर दिया। वैसे माँ करवा चौथ पे जो आपने मुझे सलवार कमीज दिया था वो कहाँ से लिया था? मैं नहीं लाई थी बेटा, वो तो सेठी बहन जी लाई थी बाकी के सामान के साथ, कितनी मदद की ना उन्होंने हमारी, तेरा करवा चौथ उन्हीं के कारण। हाँ माँ मैं जानती हूँ सब कुछ उन्होंने किया, हमें इस बारे में ज्यादा कुछ कहाँ पता है, अब सोचती हूँ तो कितना अजीब लगता है कि उनके व्रत उनके रीत रिवाज को हमने बिना किसी शक बिना किसी सवाल के पूरे मन पूरी श्रद्धा से किया, जब इन्हीं के आधार पर तो जात बिरादरी अलग की जाती। जी
नहीं ठीक लग रहा है तो आज मत जाइए ना दफ्तर। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है शौर्य की माँ, मौसम बदल रहा ना, बस जरा सी हरारत है। फिर भी ताऊ जी आप घर पर ही रुक जाइए ना, अब वैसे भी आज ऑफिस में ज्यादा काम नहीं है। राधे कृष्ण विश्वंभरनाथ जी। आइए आइए भूषण जी। राधे कृष्ण। राधे। मीटिंग से आ रहे हैं विश्वंभरनाथ जी, कल राजनाथ जी का फोन आया था कि किसी मसले पर अर्जेंट मीटिंग करनी है। मीटिंग में जो भी हुआ था विश्वंभरनाथ जी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मेरे ख्याल में तो ज्ञान प्रकाश जी के बेटे के मामले में भी जो सबका मत था वो ठीक नहीं था। अरे जमाना बदल रहा है, हमें भी जमाने के साथ बदलना चाहिए, और मैं जानता हूँ कि आप भी यही चाहते हैं। इस समय सब के सब आपके और आपके परिवार के खिलाफ हो गए। भूषण जी, जैसे हम अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं, वैसे ही ये स्वतंत्रता हर किसी को है, और फिर हर किसी की सोच एक जैसी तो हो नहीं सकती, और वैसे भी ये तो नई पीढ़ी की सोच है, इसे अपनाने में उन्हें थोड़ा समय तो लगेगा ही। हाँ मगर वो लोग आपके खिलाफ गुटबाजी कर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? अपनों के खिलाफ कोई क्या कर सकता है भला, बस मतभेद है, मन भेद नहीं। आपकी यही बातें विश्वंभरनाथ जी मन को जीत लेती। आपको कभी भी हमारी जरूरत पड़े तो जरूर याद कीजिएगा। धन्यवाद। राधे कृष्ण। मुझे तो कभी ऐसे सबसे आते ही नहीं है, मुझे आता है लेकिन मैं भूल जाता हूँ। हाँ एक याद है कि मैं चॉकलेट के पूल में बैठा हुआ था, और एक और याद है कि दादी ने मेरे लिए टॉयज की दुकान खरीद ली थी। रियली? हाँ। तो अभी मेरा ड्रीम उससे भी अच्छा है। हाँ हाँ। नक्स तूने कल के एग्जाम की पढ़ाई कर ली? हाँ कर ली, मेरा तो रिविजन भी हो गया। पता है मेरी क्लास की गर्ल्स कहती है जब भी स्पीड से लीव्स गिरती है ना और उसको कैच कर लेता है तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। सारी गर्ल्स कितनी बुद्धू बातें करती है। मैं तो इस बात बिलीव ही नहीं करती हूँ, वैसे भी मेरे मार्क्स बहुत अच्छे होंगे, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नक्स चलना एक बार ट्राई करते, मुझे मैथ्स में कुछ नहीं आता। हाँ मैं भी बहुत वीक हूँ मैथ्स में। चल पत्ता दो ना। किधर गया? ओ क्या कर रहे हो तुम लोग? कुछ नहीं। डुगो बेटा आप पीछे हटो बेटा। नहीं मम्मा मैं ये देख रहा हूँ, अगर मुझे आ जाएगा फिर मैं भी कर सकता हूँ। बहू ये मशीन मंगवा के बड़ा अच्छा काम किया तुमने, तो ना डॉक्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं, ना ही उन्हें यहाँ बुलाने की, खुद जांच कर सकते हैं अब तो। मारे से पूछ राजबन्ना, ये कि अच्छा किया या नहीं किया। डॉक्टर साहब तो चार दिन में एक बार आवे हैं, पर बहू तो दिन में दो बार देखती हैं। जरा सा भी ऊपर नीच हो जावे ना तो शामत आ जावेगी मारी। शामत मतलब? अरे थारी माँ मारे को डांटेगी। नहीं डांटूंगी दादाजी, बीपी नॉर्मल है। ये तेरी मेहनत का ही नतीजा है, तू बहुत ख्याल रखती है दादाजी का, बीपी को ऊपर नीचे बिल्कुल होने ही नहीं देती। उसमें कोई शक नहीं छोटी दुल्हन, इतना ख्याल बहुत रखे है ना, और कोई नहीं रख सकता। थारी भाभी माँ तो अभी भी आराम कर रही है। नहीं दादाजी वो तो आप भी जानते हैं, भाभी माँ की आंख में दर्द है, वरना वो यही होती है आपके पास। जानू जानू। वैसे ही कह रहा हूँ मैं। भाभी ये देखिए किसी का कोरियर आया है। मुझे दिखाओ। शादी का कार्ड लग रहा है बेटा। From Mrs. and Mr. Singh. मम्मा, हमेशा शादी की कार्ड में सिंह क्यों लिखा होता है? किसी की भी शादी हो, हमेशा सेम ही लिखते हैं सब लोग। हाँ बेटा बस नाम अलग अलग होते हैं। हाँ मम्मा, हम अंशु मामा की शादी में सब कुछ अलग लिखेंगे। हुँ? अरे हाँ बहू, हमारे को तो जादी ना था जे पूछने का कि अंशु वाली बात का क्या हुआ। वो दादाजी मैं वो बताने की जरूरत ना है, समझ गया हूं मैं क्या विश्वंभर भी इस शादी के लिए राजी हो गया है। जी जी दादाजी। मम्मा मैं रिवीजन करने जा रहा हूँ। मारे को समझ में नहीं आता समाज के विरुद्ध जाके किस
केस सिद्ध करना है थारे लोगों को, और विश्वंबर भी ये हो गया है उसे, कैसे मान गया जिस। नमस्कार सिंघानी साहब। आइए आइए आंटी जी, आइए अंकल। हाँ राधे कृष्ण। नमस्कार। राधे कृष्ण। माफ करना पुत्र जी, बिना बताए चले आए हम लोग। जसमीत ने तो हमको मना किया था पुत्र, पर हमारा ही मन नहीं माना। इसकी जो हालत है ना पिछले दो दिनों से, वो हमसे देखी नहीं जा रही, इसीलिए हम लोग आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आए हैं जी। जसमीत हमारी इकलौती औलाद है जी, इसकी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कोई चीज नहीं है। और रही बात जात बिरादरी की, ओ जी हम सब तो एक ही रब के बंदे हैं, और ये बंटवारे तो हम सब ने किए ना। बहन जी, प्राजी, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप अपने समझियों से हमारी जस की बात करें। नारे से ना होगा जी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।